गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टेक योर चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी इसका मीनिंग है पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स सो इन ऑर्डर टू एक्सेल। भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। सो इन ऑर्डर टू एक्सेल वन हैज़ टू वर्क डिलीजेंटली द वे पैट्रिक्स वर्ड, मतलब एक्सेल करने के लिए जिस तरह से पैट्रिक ने यहाँ काम किया है उसी तरह से सबको करना चाहिए। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक ने कभी भी अपना होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग, उसको होमवर्क करना बहुत बोरिंग लगता था। ही सैड, वो बोला, ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड Nintendo इंस्टीड। उसको क्या था, हॉकी बास्केटबॉल और जितने भी गेम थे ना वो सब खेलने बहुत अच्छे लगते थे। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसकी जो मैडम थी वो उससे बोलती थी, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न ए थिंग। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया और जो अपना याद करने का काम था वो भी कर लिया। एंड इट्स ट्रू समथिंग ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, मतलब उसको क्या होता था, इग्नोरमस मीन्स होता है ए पर्सन हु डजंट हैव मच नॉलेज, जिसको क्या है ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, मूर्ख जो जिसको कहलाते हैं। वो क्या करता है, डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न, वो कहती थी मैं तुमने अपना होमवर्क कर लिया और लर्न करने का काम करा कि नहीं करा। एंड इट इज़ ट्रू, ये सत्य है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एंड, कई बार उसको लगता था मैं बहुत मूर्ख हूँ। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन उसने क्या किया, ही हेटेड होमवर्क, उसको जो था होमवर्क से क्या थी, नफरत थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब इट। ग्रैब मैंने होता है पकड़ना। तब एक दिन क्या करा, उसने एक चीज देखी कि जो उसकी बिल्ली थी वो किससे खेल रही थी, छोटी सी डॉल से खेल रही थी, उसको बार बार पकड़ रही थी। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट ए डॉल एट ऑल, आपको ही सरप्राइज हुआ कि वो क्या थी, एक डॉल उस टाइम नहीं थी, बट ए मैन ऑफ द थिनेस्ट साइज। वो क्या था, वो डॉल नहीं थी, एक छोटे से आदमी का, छोटे से साइज का एक आदमी था। ही हैड ए लिटिल वुलन शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस, उसने क्या करा था कि एक लिटिल वुलन शर्ट पहन रखी थी जो ओल्ड फैशन का, और ब्रीचेस मतलब ये जो शॉर्ट ट्राउजर होते हैं वो पहन रखे थे। एंड ए हाई टॉल हैट, और लंबी हैट लगा रखी थी, मच लाइक ए विच इज ही यील्ड सेव। उन्होंने क्या करा था, कैसे लग रहा था वो, विच इज मतलब जैसे वो होता है ना टॉगी होता है, इस टाइप से लग रहा था वो देखने में। मी डोंट गिव मी बैक टू डैट कैट, आई विल ग्रांट यू ए विश, उसने क्या कहा, आई प्रोमिस यू डैट, उसने क्या कहा कि मुझे इस बिल्ली को दोबारा मत देना, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई विश को ग्रांट करूँगा। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज, पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वो कितना लकी है। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, अब क्या हुआ, उसको सारे क्वेश्चनों का, पैट्रिक को प्रॉब्लम्स का, परेशानियों का जवाब मिल गया। सो ही सेड, वो बोला, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमिस्टर डेट्स 35 डेज, उसने कहा इस सेमिस्टर के मतलब इस एग्जाम के आने के मेरे 35 डेज हैं, और जब तक मेरे एग्जाम होंगे, टिल मतलब जब तक, तब तक तुम्हें मेरा क्या करना होगा, होमवर्क करना होगा। इफ यू डू ए गुड इनफ जॉब, अगर तुम ये जॉब मेरा ये काम करोगे तो आई कुड इवन गेट एज, तो उसने क्या कहा, अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हें इससे बचा लूंगा, कैट से बचा लूंगा। तुम्हें मेरा क्या करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं करूंगा। द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक ए डिश क्लोथ। रिंकल माने होता है झुर्रियां पड़ी हुई है, और डिश क्लोथ माने थाली पोछने का जो कपड़ा होता है। लिटिल मैन ने क्या करा, अपना फेस को मतलब जो का रिंकल्ड किया, छपाया, झुर्रियाँ जो दिख रही थी, थ्रोन इन द हैम्पर, और हैम्पर मीन्स क्या होता है, थ्रोन मीन्स फेंकना, हैम्पर मीन्स माने क्या कहते हैं ये, ए बास्केट विद ए लिड, जो एक बास्केट होती है जिसमें सामान फेंक रखते हैं, उसको उसने क्या करा, उसकी थाली का कपड़ा उसमें फेंक दिया। ही किक्ड हिज लेग, उसने अपने पैर से किक्ड मारी, एंड डाउट हिज फिस्ट,
और उसने क्या करा, फिस्ट मतलब मुट्ठी, और अपने जो मुट्ठी को उसने कस के पकड़ा। एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्काउड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। ग्रिमेस्ड माने होता है मुंह बनाना, और स्काउड मींस होता है भौं चढ़ाना। उसने क्या करा, इस बात पे मुंह बना लिया और भौं चढ़ा ली। ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। उसने क्या कहा, ओ एम आई कर्स्ड, कर्स्ड मींस शापित, शाप, ये क्या मुझे ये शाप है, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसको करूंगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और उसके जो वर्ड थे, उसके द लिटिल इल्फ, इल्फ माने होता है छोटा बौना, बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, ग्लिच माने गड़बड़, ग्लिच मींस गड़बड़। हियर इज इंग्लिश मीनिंग अनएक्सपेक्टेड सेटबैक, ग्लिच मींस गड़बड़। द इल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, ही नीडेड हेल्प। इल्फ जो था हमेशा ये नहीं जानता था कि मुझे क्या करना है, उसकी हेल्प, उसको हेल्प की जरूरत थी। हेल्प मी ही डिड से, उसने क्या किया, हेल्प मी, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक उसकी किसी भी तरह से क्या है, उसकी हेल्प करता था। बस उसका एक ही काम था कि उसका होमवर्क कर दे, बाकी सारी चीज़ों में वो उसका हेल्प करता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, द इल्फ स्क्वेयर्ड विद रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। स्क्वेयर मैंने चिल्लाना। अब क्या हुआ, आई डोंट नो दिस वर्ड, उसने कहा ये मैं नहीं जानता हूँ। द इल्फ स्क्वेयर्ड जोर से चिल्लाया वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे क्या ला के दो, एक डिक्शनरी ला के दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, इससे अच्छा क्या होगा, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय द ईच लेटर। उसमें डिक्शनरी में वर्ड देखूंगा और उसके साउंड से क्या होगा, ईच लेटर का मैं मीनिंग या मतलब देखूंगा। When it came to mass, Patrick was out of luck. जब क्या हुआ, mass की बात आई तो क्या हुआ, Patrick का क्या हुआ, out of luck, मतलब that our times table, उसको time table के बारे में यही पता नहीं था क्या time table है। The elf shrieked, shrieked माने चिल्लाना, फिर वो चिल्लाया। We elves never need that. एन एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शन। उस बॉनी ने कहा वी एल्फ नेवर नीड, उसने ये कभी नहीं किया था क्या, एडिशन सब्सट्रैक्शन और डिविजन और फ्रैक्शन, ये सब चीजें उसने मैथ्स में कभी नहीं की थी। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे पास बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मुझे केवल क्या करते रहो, गाइड करते रहो। इल्फ्स, इल्फ्स मीन्स यहाँ स्मॉल बॉनी से है, छोटे बॉनी से। नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, वो आदमी की हिस्ट्री कुछ भी नहीं जानता था। इट इज़ ए मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, ये क्या था, रहस्य था। सो द लिटिल इल्फ, इसलिए छोटे बॉनी ने ऑलरेडी ए शाउटर, वो क्या करता था, जोर जोर से चिल्लाने लगता था जब उसको कुछ नहीं आता था, क्योंकि उसका ये आदमियों के ह्यूमन बींग के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं थी, उसकी हिस्ट्री के बारे में। वो सिर्फ अपने जो बौने जाति के लोग थे उनके बारे में ही जानता था। लेकिन पैट्रिक ने उसको अपना क्या करा, होमवर्क की सारी दे दी करने के लिए, सॉल्व, मेरा होमवर्क तुम करोगे। तो वो क्या हुआ, परेशानी में आ गया। अब वो क्या करा, ऑलरेडी ये शाउटर, चिल्लाने लगा। जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, जोर से चिल्लाया और बोला गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की जरूरत है, नीड माने जरूरत। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लाओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और उनको पढ़ने में तुम मेरी मदद करो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे, द लिटिल इल्फ वाज ए नैग। नैग मीन्स होता है यहाँ पे, नैग का मतलब होता है जैसे क्या नाम है इसका, वन हु ट्रेवल समवन, कभी भी कोई क्या होता है जो परेशानी में आ जाता है ना, उसको बोलते हैं नेक। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक जो था उससे ज़्यादा क्या वर्क हार्डर कर रहा था। ही वाज स्टेइंग अप नाइट, वो रात भर क्या कर रहा, बैठता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वियरी मीन्स थका हुआ होना, कभी भी उसको थका हुआ महसूस नहीं होता था। वाज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी, उस जब स्कूल जाता था तो उसकी आईज कैसी पफ्ड हो जाती थी, और क्या ब्लेरी मतलब आईज पसता रहता था वो। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। अब क्या हुआ, लास्ट डे वो क्या पहुंच गया, स्कूल पहुंच गया, और एल्फ जो बोना था वो उस दिन क्या हो गया, फ्री हो गया। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही
क्वाइटली एंड शैली, शैली मीन्स होता है कनिंग, चलाक। उन्होंने क्या, उसने क्या करा, चलाकी से अपना होमवर्क, शांत से और चलाकी से अपना होमवर्क करवा लिया कनिंगनेस से। स्लिप्ड आउट द बैक डोर, और बैक डोर के पीछे सो, मतलब स्लिप मतलब लेट गया या सो गया। पैट्रिक गॉट हिज एज हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। जब पैट्रिक क्लास में पहुंचा तो उसके जो क्लासमेट्स थे, उसके दोस्त थे, वो क्या हो गए, अमेज्ड मतलब हैरान हो गए। हिज टीचर स्माइल्ड, उसके टीचर मुस्कुराई एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी पूरी क्या करी, तारीफ करी, प्रशंसा करी। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड वॉट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। उनको इतना आश्चर्य हुआ कि ये पैट्रिक के साथ में क्या हो गया, ये पैट्रिक ने कैसे करा। उनको तो उम्मीद ही नहीं थी कि पैट्रिक ये काम कर लेगा, और उसने इल्फ, पैट्रिक की मदद और इल्फ की सहायता से क्या हुआ, पूरा होमवर्क हो गया, वो क्लास में सबसे आगे निकल गया। तो उसके पेरेंट्स को बहुत सरप्राइज हुआ, वंडर्ड हुआ कि मेरे, हमारे बच्चे ने ये काम कैसे कर लिया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो क्या बन गया, मॉडल किड बन गया, है ना। क्लीन्ड हिज रूम, अपने रूम को साफ किया। डिड हिज चोर्स, चोर्स मतलब काम को पूरा किया। वाज चीयरफुल, चीयरफुल मतलब अच्छी तरह से। नेवर रूड, कभी मतलब उसने रूडली नहीं हुआ। लाइक ही हैड डेवलप ए होल न्यू एटीट्यूड, और उसने क्या करा, जब इन सब बातों से उसकी प्रशंसा हुई और सबने तारीफ करी और सब खुश हो गए, उसको प्रेस किया, तो उसने क्या करा, एक नया रवैया अपना लिया। एटीट्यूड मीन्स रवैया। यू सी, तुम देखो, इन द एंड, इसके अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही डिड मेड द टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। क्या हुआ, जो छोटा आदमी था उसने क्या करा, जो बौना था, इल्फ था, छोटा आदमी था, उसने उसका सारा होमवर्क कर दिया। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं आपसे एक सीक्रेट, जो सीक्रेट मतलब गुप्त बात है, वो शेयर कर रहा हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, ये किसी को नहीं बतानी है, जो मेरे और तुम्हारे बीच की बात है। इट वॉज द इल्फ, इट वॉज नॉट द इल्फ, वो कहता है छोटा बॉर्डर नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, कोई बॉर्डर नहीं था, वो एक कहता गुड्डा टाइप का था। ये सब काम जो किसने करा था, पैट्रिक ने करा था, क्योंकि क्या, क्यों, क्योंकि इल्फ का तो बहाना था कि डिक्शनरी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बाकी सारा माइंड किसका वर्क कर रहा था, पैट्रिक का। सो ऑल द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय द पैट्रिक, नॉट इल्फ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।